दोस्तों, बिहार को अब तक गरीब और पिछड़ा राज्य समझा जाता है, पर यहाँ चल रहे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके कंप्लीट होते ही बिहार की पहचान बदल जाएगी। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट्स की जानकारी देने जा रहे हैं जो बिहार की बदनाम छवि को एकदम बदल कर रख देने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी की। यूं तो नालंदा यूनिवर्सिटी कभी भारत की पहचान रहा है और अब इसका न्यू बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार हो चुका है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसका इंतजार हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से ज्यादा दूसरे देशों के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तभी तो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च इसे विदेशों में किया जा रहा है। यानी ये तय है कि इसके बनने के बाद अगर इसमें पहले जैसी ही पढ़ाई हुई तो ये यूनिवर्सिटी एक बार फिर बिहार के नाम का डंका बजाएगा। उम्मीद है कि 2025 तक इसमें पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो वहीं दूसरे नंबर पर पटना में तैयार हो रहे पटना मेट्रो की बात करते हैं। बिहार में मेट्रो की शुरुआत होना काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार को लोग अब तक पिछड़ा राज्य ही समझते हैं। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स बिहार की धूमिल छवि को साफ करने में सहयोगी साबित होंगे और बिहार की राजधानी में मेट्रो की उपस्थिति इसे बेहतर राज्यों में शुमार करेगा। इसके पहले फेज की शुरुआत 2025 से शुरू होने की पूरी संभावना है। नंबर 3 पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। रोडवेज एक ऐसा साधन है जो किसी भी राज्य को संपन्न बना सकता है, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिहार को दूसरे राज्यों से कनेक्ट करने में बेहतर भागीदारी निभाएगा, जिससे दिल्ली, यूपी, झारखंड और कोलकाता तक सीधा एक्सप्रेसवे होने से ट्रांसपोर्टिंग मामले में भी बिहार काफ़ी सक्षम हो जाएगा। दूसरे राज्यों के लोग आसानी से बिहार विजिट कर पाएंगे। खासकर नेपाल जाने वाले यात्री भी बिहार होकर ही जाते हैं और बिहार में टूरिज्म भी विकसित किया जा रहा है, तो टूरिज्म और बिजनेस दोनों को फ़ायदा मिलना तय है। दोस्तों, नंबर 4 पर बात करते हैं दरभंगा आईटी पार्क की। बिहार में आईटी पार्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट साबित हो सकता है, क्योंकि आज के बदलते युग में सॉफ्टवेयर कंपनियों की धमक है। इसका जीता जागता उदाहरण बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसे शहर हैं। इन शहरों की किस्मत आईटी पार्क ने ही बदली है। उम्मीद है कि बिहार में आईटी कंपनियां आएंगी, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में आईटी कंपनियों में 35% से ज़्यादा बिहार के छात्र ही काम करते हैं। तो अगर सरकार का बढ़िया फोकस रहा तो बिहार में इंटरनेशनल कंपनियां भी आ सकती हैं। तो वहीं नंबर 5 पर अगर बात करें तो नंबर 5 पर बिहार में तैयार हो रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम के पतन के बाद ये इकलौता ऐसा स्टेडियम होगा जो BCCI के प्रावधान के साथ बनाया जा रहा है, क्योंकि देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में क्रिकेट स्टेडियम की वजह से एक अलग पहचान है। स्टेडियम कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी की जरूरत है। इसमें होने वाले मैचों की वजह से कमाई का शानदार मौका भी मिलता है, जिससे राज्य को आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होता है। तो राजगीर में बन रहे इंटरनेशनल स्टेडियम का महत्व इसलिए भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा सकेगा और ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ग्राउंड के तर्ज पर बनने वाला स्टेडियम होगा। दोस्तों, ये सभी 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बिहार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि बिहार को अपनी वर्तमान छवि को बदल कर एक बेहतर और कामयाब राज्य बनकर दिखाना ही होगा। वैसे इसकी धूमिल छवि को साफ करने की जिम्मेदारी हम बिहार वासियों की भी उतनी ही है जितनी सरकारों और सरकारी प्रोजेक्ट्स की है, क्योंकि दूसरे राज्यों में लोग बिहार की बुराई नहीं करते, वो बिहारियों की बुराई करते हैं। बिहार के लोग चाहे लाख इंटेलिजेंट हो, पर उन्हें अब बिहार को बदलने के लिए केवल नौकरियों के पीछे नहीं खुद की स्टार्टअप्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें।